यानी शेलीज वर्ल्ड। आज मैं बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी एंड हेल्दी राइस बॉल खीर। तो आइए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथ ही में वीडियो को पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो फिर इस यम्मी रेसिपी के लिए चाहिए हमें राइस का आटा, साथ में चाहिए मिल्क, चाहे काउ मिल्क हो चाहे पैकेट मिल्क हो, साथ में चाहिए गुड़ और चाहिए फ्रेश कोकोनट। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो चावल का आटा है एक थाली में उसको ले लिया है और उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी करके पानी की छींक मारेंगे और साथ ही में हाथ को ऐसे हिलाएंगे। जैसे ही हाथ को हम फैलाएंगे ना तो छोटे छोटे बॉल के फॉर्मिंग में रेडी हो जाएगा। इसको ना अलग से बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पानी की छींक मारोगे और ऐसे ही हाथ को आप चलाओगे ना आटे के ऊपर तो छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही बॉल फॉर्म हो जाता है मैं इसको अलग से एक कटोरी में निकल के रख रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो प्रोसीड्योर है आप 2 से लेकर 3 बार करो, ये बहुत ईजी है। ये वाला रेसिपी विद इन 15 मिनट ईजीली बन जाता है, अलग से कोई प्रिपरेशन करना नहीं पड़ता है। सिर्फ आप कोकोनट को घिस के पहले से रखिए। देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, पानी की छींक मार रही हूँ, हाथ को इसके ऊपर थोड़ी सी फैला रही हूँ ताकि ये छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में रेडी हो जाए। जैसे ही रेडी हो जाएगा वो बॉल को हम अलग से कटोरी में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये राइस आटा है इसलिए इसमें फुल अप कार्बोहाइड्रेट है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्दी ऑप्शन है। किसी दिन अगर बच्चा लंच में पेट भर के नहीं खाया है तो फिर आप इवनिंग में बच्चों को दे सकते हो, इसका पेट आराम से भर जाएगा। और साथ ही में हम यूज़ कर रहे हैं काऊ मिल्क, इसलिए इसको मिल्क का प्रोटीन भी मिलेगा। और गुड़ यूज़ कर रही हूँ इसलिए गुड़ में आयरन पाया जाता है, गुड़ डाइजेशन में हेल्प करता है बहुत सारे मिनरल्स से, और आयरन जो है वो तो मतलब एनीमिया से बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, बड़ों को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इस टाइम खजूर का गुड़ मतलब इस विंटर टाइम में खजूर का गुड़ बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, इसलिए खजूर का गुड़ यूज़ करेंगे क्योंकि इससे कलर और स्मेल टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये वाला जो प्रोसीड्योर है, ये बॉल्स बनाने वाला, ये हमने 2 या 3 बार आप करोगे ना तो फिर बॉल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा लास्ट राउंड है, ये बन के रेडी हो गया है। बॉल चाहे छोटा बड़ा मीडियम जो भी साइज़ हो, टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये मुंह में जाकर बहुत ही यम्मी टेस्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पे मेरा जो बॉल्स है वो रेडी हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने ली है काऊ मिल्क, 1 लीटर है। यहाँ पर अच्छे से उबाल के रखेंगे, जैसे ही गर्म हो जाएगा उबाल आ जाएगा इसमें हम डालेंगे गुड़। हाँ मीठा सा आप अपने हिसाब से डाल लेना, आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हो तो फिर ज़्यादा गुड़ डाल लेना, ठीक है। गुड़ को आप थोड़ी सी चला लेना ताकि वो पूरा के पूरा गल जाए। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ फ्रेशली ग्रेट करके रखा जो कोकोनट है वो, आप चाहो तो ज़्यादा कोकोनट डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको गुड़ में कोकोनट डालने के बाद थोड़ी देर इसको चलाओगे, राउंड अबाउट 5 to 10 minutes इसको हिलाओगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो बॉल्स अब रेडी करके रखा था उसको मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉल्स है इसको डालने के बाद हार्डली 5 to 7 minutes लगता है, ठीक है। जैसे ही ये गाढ़ा होने स्टार्ट हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको थोड़े से टाइम हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे अलग से, लगभग 1.5 से 2 घंटा। अब देखिए मेरा यम्मी यम्मी सा राइस बॉल खीर जो है वो बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, प्लीज़ एक बार आप बच्चों को दीजिए, वो मांग कर खाएगा, श्योर हूँ मैं इस बारे में, गारंटी देती हूँ, ठीक है। आपको अगर ये वाला रेसिपी अच्छा लगा है तुम सभी तो फिर प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आप इस विंटर सीजन में ऐसा वाला खीर बनाओ और अपनी फैमिली को एक सरप्राइज़ दो।